पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम यानी प्रोनाउन पुल्लिंग के बारे में बताया था, अब मैं आपको सर्वनाम प्रोनाउन स्त्रीलिंग के बारे में बताऊंगी। इसमें भी तीन तरह वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सा ते ता, सा मतलब वह लड़की, ते मतलब वे दो लड़कियां, ता मतलब वे सब लड़कियां। मध्यम पुरुष में तुम युवाम यूयम, तुम का मतलब होता है तुम लड़की, युवाम मतलब तुम दो लड़की, यूयम मतलब तुम सब लड़कियां। उत्तम पुरुष में मैं लड़की, आवाम में हम दोनों लड़कियां, वयम में हम सब लड़कियां। इसको कैसे बोलेंगे, सा ते ता वह वे दोनों वे सब, तुम युवाम यूयम, तुम मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम मतलब हम सब, अहम आवाम वयम, तो मैं हम दोनों हम सब, इस तरह से। अब स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में तीनों वचन के रूप अलग होते हैं, जैसे सा ते ता, ये अलग होगा स्त्रीलिंग में। अब पुल्लिंग में और मैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जैसे होते हैं उसी तरह से स्त्रीलिंग में होते हैं, तुम युवाम यूजम ऐसे जैसे पुल्लिंग में चले थे ऐसे ही स्त्रीलिंग में चलेंगे, अहम आवाम वयम, ये दोनों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप उसी तरह से चलेंगे पुल्लिंग की तरह से, बस प्रथम पुरुष में रूप बदल जाते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में रूप बदल जाते हैं, स्त्रीलिंग के रूप थोड़े अलग होते हैं। थैंक यू, ठीक है।